नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनकैडमी। और आज ब्लैक मैजिक शो, यानी कहें बाबा का काला जादू। तो आज काला जादू में क्या है वो आपको पता ही चल जाता है। तो पता है, जब थंबनेल आप देखते हो, तो आज मैं आपको एक और तरीका बता दूं याद रखने का। जब आप देखते हो कि आज ये थंबनेल लगा हुआ है, काला जादू है, तो थोड़ा सा पढ़ना शुरू करिए तो समझने में आसानी होगा, ठीक है। और चलते हैं, लेकिन शुरुआत करने के पहले फिर से मैं आपको बता दूं कि वैसे बच्चे जिनका पेपर है CHSL, यानी होली के बाद जिनका पेपर है, तो वो अच्छा अवसर है, सुनहरा अवसर है। बिल्कुल जुड़िए मेरे साथ और कृति मैम के साथ GS को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एडवांस मैथ को अच्छा करने के लिए आकाश सर के साथ, हितेश सर के साथ हमने रीजनिंग को बूस्ट करने के लिए, और संदीप सर के साथ इंग्लिश। तो कहाँ जुड़ना है? वाईफाई चैम्प टीम के साथ, और बस ये एक महीने के लिए। इसलिए एक महीना क्योंकि इसके बाद पेपर ख़त्म होगा और फिर से फ्रेश बैच चलेगा, खासकर CGL को डेडिकेट करते हुए, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो या फिर CHSL का हो। तो इससे बढ़िया तरीका है, इसलिए कहते हैं बच्चों कि एक बार आप पैसा इन्वेस्ट करिए और फिर से फ़ायदा उठाइए। किसका? तो सारे क्लासेस का। और रेलवे की बात करेंगे तो आज पॉलिटी का दूसरा चैप्टर शुरू होना है, यानी और अच्छे तरीके से तैयारी करिए। और फिर कृति मैम का यहाँ करंट अफेयर्स भी शुरू हो जाएगा रेलवे में, और DRDO का 2 मार्च से आ गया क्लास इनका, तो हितेश सर का, यानी DRDO भी एंट्री मारेंगे। और देखो लिखे हो GSSC और JPSC भी आए, टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहे हैं, तो बहुत जल्द। तो बस विश्वास बनाकर रखिए अपना वाईफाई चैम्प टीम के साथ। सर आज क्या है? महारत्न कंपनीज इन इंडिया, भारत में महारत्न कंपनियां जो हैं। तो सर कोशिश क्या है कि भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? क्या 8 हैं, 7 हैं, 6 हैं? तो कुल मिलाकर महारत्न की बात करें तो अभी 10 महारत्न कंपनियां हैं, उसी की चर्चा करेंगे आगे। कहता है सर सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट में हम किसे रखेंगे, तो पब्लिक सेक्टर यूनिट में हम चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर या कहें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितने भी यूनिट आएंगे, वो सब के सब पब्लिक सेक्टर यूनिट में हम काउंट करते हैं। तो सर जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज आर एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज, यानी इसका मैनेजमेंट कौन करता है, देखभाल कौन करता है? कोई ना कोई तो मंत्रालय होगा। तो बिल्कुल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है, हैंडल किया जाता है। जो भी रूल रेगुलेशन बनेगा वो कौन बनेगा, तो कौन बनाएगा? भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय बनाएगा। तो और सार्वजनिक उद्यम विभाग सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए नोडल विभाग है। तो कहता है सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें, या फिर NTPC की बात कर लें, NTPC रेलवे मत समझना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और सार्वजनिक उद्यम विभाग केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के बारे में पॉलिसी डिजाइन करता है, नीति तैयार करता है, और ये नीतियां मुख्य रूप से प्रदर्शन, सुधार, मूल्यांकन, स्वायत्तता और वित्तीय प्रतिनिधि मंडल और कार्मिक प्रबंधन से संबंधित है। जैसे आपकी वाईफाई चैंप टीम क्या करती है, तो आपके प्रदर्शन का आकलन करती है, आप में कैसे सुधार किया जाए, आपका जो मूल्यांकन है वो हम लोग करते हुए यहाँ पढ़ाते हैं। तो ये काम कौन करता है? डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। तो जो तरीका है, ट्रिक है, वो क्या है? अच्छा, 1 अक्टूबर 2019 से देयर आर 10 महारत्न, 14 नवरत्न, यानी भारत में अक्टूबर 2019 तक भारत में 10 महारत्न कंपनियां और 14 नवरत्न कंपनियां हैं अक्टूबर 2019 तक। सर स्थिति बहुत खराब है। ONGC और HP ने क्या किया, SBI से लोन ले लिया। भाई लोन दो तभी तो हमें चलेगा। यानी ट्रिक क्या है, ONGC और HP ने SBI से लोन ले लिया, तो जिसका कोई मीनिंग नहीं है, हम क्या करते हैं अंडरलाइन लगा कर देते हैं। तो ये मत बोलना कि सर कोई मीनिंग नहीं, समझ जाओ। यानी ONGC और HP ने क्या किया, ONGC और HP ने SBI से लोन ले लिया। तो क्या कहता बच्चा, O से वाइल्ड एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, N से NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, गेल से
गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, सी से कोल इंडिया लिमिटेड, एच से हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पी से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और SBI, तो सर बी को डबल कर दिया हमने, SBBI, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, फिर भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और एक बी से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और आई से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये कुछ ट्रिक निकले आपको, क्या निकला बच्चों, ये ट्रिक निकला कि सर ONGC और HP ने, ONGC और HP ने SBI से लोन ले लिया, SBBI से लोन ले लिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये ट्रिक काफी कुछ पसंद आया होगा और काफी फायदा करेगा आपके आने वाले पेपर में, कि कौन से महारत्न कंपनियां हैं या कौन से महारत्न कंपनियां नहीं है, और कैसे जुड़ सकते हैं हमारे साथ अपने वाईफाई चैंप टीम के साथ। तो ये 7 प्रोसेस हैं, इस प्रोसेस को फिल करने के बाद जहां रेफरल कोड कहेगा वाईफाई चैंप यूज करिए, और यूज करके अपने जो सुनहरे भविष्य की कामना करिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से कुछ फनी ट्रिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।